दस्तरखान रेसिपी हब में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट रेसिपी आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे पोटैटो बाइट्स, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बोल लेंगे, उसमें हम पोटैटो ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने दो पोटैटो को बॉईल कर लिया है और इसे मैश कर लिया है। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे इसे। साथ में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चीज़ ऐड करेंगे। अच्छे से मिलाएंगे सभी चीज़ों को। अब इसे हम हाथ से मसल लेंगे, एक डो रेडी करेंगे इसका। अब इसका हम रोल बनाएंगे। इस तरह इसे लंबाई में रोल बनाएंगे। क्लीन फ्लेम में इसे रैप करेंगे इस तरह। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे और इसे 30 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। 30 मिनट हो गई है, अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम कट करेंगे। इसे क्लीन फ्लेम के साथ ही कट करना है। पोटैटो बाइट्स को हम क्लीन फ्लेम में से निकाल लेंगे इस तरह। सभी पोटैटो बाइट्स को मैंने निकाल लिए हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। सभी साइड से इस तरह इसे पलटकर गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत अच्छे क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। इसी तरह हम सारे बाइट्स रेडी करेंगे। इसे टिश्यू पेपर पर ले लेंगे। तो लीजिए, रेडी है हमारे पोटैटो बाइट्स। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी दुआ